अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। रोनी बाबा से हेलो। रोनी बाबा का आज मूड ख़राब है क्योंकि रोनी बाबा को आज ये जॉर्डन के शूज़ पहनाए हैं और रोनी बाबा को पसंद नहीं आ रहे। रोनी बाबा को शूज़ पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ये अपने शूज़ उतार देता है और नंगे पाँव रहता है। आज मौसम बहुत खूबसूरत है, आप देखें कि आज सुबह से स्टॉर्म आया हुआ था और स्टॉर्म की वजह से जो है ना वो क्लाउडी है, थोड़ी सी बारिश भी हुई है सुबह, अभी भी हल्की सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही है। ओह, और रोनी बाबा को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑफिशियल जो है वो काम करने के लिए आए हुए हैं। भाई ने कैरी शहर की कैब भी ले ली थी, पता नहीं आपने पहले देखी है कि नहीं। तो अभी हम आए हुए इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग का नाम है सोशल सिक्योरिटी ऑफिस और हमें रोनी के जो है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना था क्योंकि इसने 3 दफ़ा बॉर्डर क्रॉस किया है US का, मगर इसका सोशल सिक्योरिटी नंबर अभी तक बाय मेल हमें आ नहीं रहा था। तो अभी हम यहाँ पर ऑफिस में आए हैं और मैन्युअली हम उसको अप्लाई करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो हमें कब तक मिल जाएगा, क्योंकि हमें वो नंबर बहुत ज़रूरी चाहिए क्योंकि हमने ट्रांसफ़र अपना ट्रैवल करने के लिए वो नंबर चाहिए होता है, तो उसके बगैर ट्रैवल नहीं हो सकता। तो अभी हम जो है वो लाइन में खड़े हैं, हमने क्यू में अपनी वो टोकन ले ली है और अब उस टोकन पे जब हमारी बारी आएगी तो फिर हम अंदर जाएंगे, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा लोगों को अंदर अकोमोडेट नहीं कर रहे। मैंने मास्क भी नहीं पहना हुआ था इसलिए मैं बाहर आके खड़ा हो गया। और ये है रोनी बाबा, तो हम पार्किंग में थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि आज मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है। हम लोग एक मेल करने के लिए अपना अमेरिकन पोस्ट ऑफिस में आए हुए हैं, अपने लोकल यहाँ पर जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर, और वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, दिखा दूँ कि किसी दौर में हम लोग पढ़ते भी होते थे अपनी इंग्लिश की लिटरेचर बुक्स में और बाकी जगहों पे भी कि PO बॉक्स नंबर्स होते थे और एड्रेस के लिए लोगों का PO बॉक्स नंबर होता था। तो PO बॉक्स नंबर जो है ना वो एक्चुअली होता है पोस्ट ऑफिस का बॉक्स नंबर मिल जाता है आपको, और वो क्यों मिल जाता है आपको, जब आपका कोई एड्रेस ना हो आपका कोई, तो फिर वो आपको एक PO बॉक्स नंबर आप अपने आप को यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस में ले लेते हो ताकि आपकी जितनी भी मेल्स आती हैं वो उस नंबर में आती हैं और आप वहाँ से आके कलेक्ट कर लेते हो। तो पाकिस्तान में ये एब्सोल्यूट हो चुका हुआ है, तो वहाँ पर तो कोई SH अब जो है ना वो PO बॉक्स नहीं रखता और ना ही PO बॉक्स नंबर चलते हैं, मगर US में यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही चलता है क्योंकि यहाँ पर लोग मूव करते रहते हैं तो उनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता, तो उन्होंने अपने PO बॉक्स नंबर रखे होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इतने सारे PO बॉक्स नंबर हैं जिसमें लोग आ रहे हैं और वो अपनी मेल्स वगैरह चेक कर रहे हैं। ये भी लेडी एक चेक कर रही हैं, आगे भी है, ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ऐसे उन्होंने बनाए हुए हैं जिसमें लोग आके अपने जो है वो अपनी मेल्स वगैरह जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये अभी भी यहाँ पर US में ये अभी भी ट्रेंडिंग है और ये चल रहा है। और रोनी बाबा जो है ना वो थोड़ा सा तंग कर रहा है क्योंकि आज सारे ऑफिस के चक्कर लग रहे हैं और रोनी बाबा को जो है ना वो बड़ा मसला हो रहा है। हाँ तो जी, हम 2-3 काम करने के लिए निकले थे मगर हमारा कोई भी काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, सारे पेंडिंग में हैं। हाँ, प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी तो अभी हमने वो कंप्लीट करनी है, तो इसलिए हम अभी फ़िलहाल जो है वो टाइम हो रहा है 12:30, तो हम अभी घर जाएंगे, घर जाके कुछ खाएंगे, खा के फिर दोबारा निकलेंगे और 6 बजे तक ऑफिस टाइम है, तो जो बाकी काम है वो हम फिर दोबारा निकल के करेंगे, मगर अभी फ़िलहाल भूख लगी हुई है और खाना खाने के लिए घर वापस जाएंगे। In half a mile, turn left onto Southeast Kerry Parkway. Go past these lights, then at the next set, turn left. At the lights, turn left onto Southeast Kerry Parkway. जाती है, कितनी खूबसूरत रोड है, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं यहाँ पर और जो है वो इन दरख्तों की वजह से ही हमारे शहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पर इसीलिए ज़्यादा बारिश भी होती है। और ये पाइन के ट्रीज़ हैं बड़े बड़े यहाँ पर, बड़े खूबसूरत हैं और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो ये रास्ता हमारे घर को जा रहा है, वो देखें सामने पाइन ट्रीज़ जो हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं, लाइन में पूरी वुड्स हैं यहाँ पर जंगल की तरह। ये राली को जाने के लिए हाईवे लेने हो तो आपने, जहाँ से हम अभी वापस आए हैं,
एबटाबाद की तरह ऊंची नीचा इलाका है, तो बड़ा खूबसूरत है। अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। In a quarter mile, turn left onto Josie Lane. अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे जोजी लेन के लिए। यहाँ रोड्स के नाम बड़े मजे मजे के हैं। और ये हम पहुंच चुके हैं जी अपनी बिल्डिंग में, और यहाँ से भी हम लेफ्ट लेंगे तो सीधा अपनी बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। और ये है स्काई लेन, हमारी बिल्डिंग का नाम है टायरोन पैलेस। टर्न लेफ्ट ऑन टू स्काई लेन, देन योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन द राइट। और ये सामने हमारी बिल्डिंग है। हाँ जी, हम दोबारा निकल पड़े हैं जो काम रहते थे वो करने के लिए। घर में खाना खाया है, थोड़ा सा रेस्ट किया है और हम दोबारा निकल चुके हैं। और अभी हम हाईवे पे जा रहे हैं और कैरी टाउन बुलेवर जो है यहाँ से हाफ माइल पे है, तो अभी हम वहाँ पहुँचते हैं तो फिर आगे अपडेट करते हैं। आप हाईवे का व्यू चेक करें कि कितना खूबसूरत है। इतने ज़्यादा दरख्त हैं साइडों पर और जो है ना वो ऐसे स्मूथ ड्राइव है और सब लोग अपनी लेन में गाड़ी चला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं है और बड़ी जो है ना वो पीसफुली ड्राइव हो रही है। ये येलो फ्लावर्स चेक करें आप, कितने प्यारे हैं लाइन में जो लगे हुए हैं। ऐसी लश ग्रीन किस्म की जो है ना वो सीनरी है। और ऊपर क्लाउडी चेक करें, वेदर कितना खूबसूरत है। देख रहा है अपने, और वो कार्टून में खुबा हुआ है इस टाइम। रोनी, रोनी, हे रोनी, रोनी, नहीं इस टाइम कार्टून में खुबा हुआ। हाँ अब बोले हाईवे से जो एग्ज़िट्स हैं ना वो बड़े खूबसूरत हैं, क्योंकि साइड पे बिल्कुल जो है वो वुड्स हैं और दरख्त हैं, उनके दरमियान से जो है ना वो एग्ज़िट्स बनाए हुए हैं। जैसे ये देखें, ये वाला कैसा प्यारा सा एग्ज़िट है। और ऐसे ही ये वाला एग्ज़िट भी था दरख्तों के अंदर, ऐसे आप चले जाते हो। ये हमारा एग्ज़िट चेक करें, हमने हाईवे से एग्ज़िट लिया है और ऐसे आप दरख्तों के अंदर से ऊपर को चले जाते हैं। और ये देखें कितनी प्यारी झील है यहाँ पर, और वो झील और साथ वुड्स हैं, जंगल है और साथ ही झील है। यहाँ से एग्जिट लेके हम एक और हाईवे के ऊपर आ गए, जिस एक्चुअल हाईवे में हमें जाना था उस पर हम आ गए।